हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर्षि हमें बचाइए। आपने कहा था कि त्रिदेव में से कोई क्रोधित हो गए तो आप बीच बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। देवर्षि परमपिता को समझाइए, देवर्षि समझाइए। हे परमपिता, ये आपने क्या किया? अनजाने में इन निष्पाप गुरुओं को शाप देकर कोई अनर्थ मत कर बैठिए परमपिता। मुनिवर, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर भी इन्हें निष्पाप कह रहे हैं। ये दोनों तो ऐसे शाप के योग्य हैं कि प्रेत आत्मा बनकर युगों युगों तक इस अंतरिक्ष के घोर अंधकार में भटकते रहें। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? नाटक? कैसा नाटक? हे परमपिता, समुद्र मंथन द्वारा सागर कन्या लक्ष्मी के आते ही सब उस पर मोहित हो गए। हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता था, परंतु देवी लक्ष्मी अंत तक उसी का साथ देंगी जो त्रिगुणातीत हो। अब समझा। तो गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं इस सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना? हे परमपिता, तो फिर इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये दोनों देवी लक्ष्मी के लिए उचित वर की खोज में यहां से आगे बढ़ सके। और इस शुभ कार्य में हम सफल हो। हे ब्रह्मदेव, इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तथास्तु।